जय माता दी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत ही खुश होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि माता रानी के दरबार में जो मौसम है उसकी क्या अपडेट है, साथ ही साथ कोरोना की क्या गाइडलाइंस है उस पर भी हम बात करेंगे, और क्या इस समय में उचित होगा माता रानी के दरबार में जाना, पुनः बर्फबारी कब होगी, इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको सभी बातों की जानकारी मिल जाएगी। और यदि हाँ, आप पहली बार जा रहे हैं माता रानी के दरबार, या फिर आपके परिवार में से कोई भी जा रहा है, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि माता रानी के दरबार में अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है। दोस्तों, त्रिकुटा पर्वत की पहाड़ियों और माता रानी के भवन पर अभी घना कोहरा मिलेगा आपको देखने को। काफी ज्यादा फॉग हो रखा है, इनफैक्ट फॉग इतना हो रखा है कि लोग काफी संभल कर यात्रा कर रहे हैं, यानी कि कुछ मीटर दूरी से ही आप देखेंगे कि आपको सामने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। साथ ही यदि आप पहाड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको धुंध के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देगा, यानी कि सभी पेड़ पौधे, सभी चीजें वहां पर फॉग के अंदर गायब हो चुकी हैं। ये एक अद्भुत नजारा है, क्योंकि इतना सारा फॉग देखना भी अपने आप में एक रोमांचकारी अनुभव होता है। तो यदि आप इस समय यात्रा कर रहे हैं या माता रानी के दरबार में हैं, तो आपको इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि वहां पर कितनी ठंड है और कितना फॉग बढ़ चुका है। फॉग की परवाह ना करते हुए भी माता रानी के दरबार में कल यानी कि 10,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वो सभी संभल कर रास्ते में आगे बढ़ रहे थे। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो रोपवे की सेवा है वो निरंतर चालू है, उसको किसी भी प्रकार से रोका नहीं गया है। कोहरा इतनी अत्यधिक मात्रा में है कि यदि आप देखना चाहेंगे त्रिकुटा पर्वत पर माता रानी के भवन को, तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। आपको ऐसा लगेगा कि माता रानी का भवन गायब हो चुका है। कोहरे के साथ साथ ही माता रानी के भवन पर ठंड बहुत ज्यादा तेज हो गई है, यानी कि तापमान में बहुत गिरावट आई है और आपको 0 डिग्री सेल्सियस फील होगा। और जो लोग भी इच्छुक हैं पुनः बर्फबारी देखने के, वो अगर जनवरी के अंतिम सप्ताह में जाते हैं तो उन्हें एक बार फिर से बर्फबारी देखने का आनंद प्राप्त हो सकेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोरोना की क्या गाइडलाइन है माता रानी के भवन में जाने के लिए। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ गाइडलाइंस में फेरबदल नहीं किए गए हैं, लेकिन फिलहाल भी वो लोग कोरोना की जो आपकी नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट है उसे भी चेक कर रहे हैं। जगह जगह आधार शिविर लगाए गए हैं, कटरा आधार शिविर में आपकी जांच हो रही है। उसके अलावा भी काफ़ी जगह ऐसी जगह जहाँ की माता रानी के भवन में प्रवेश के मार्ग हैं, वहाँ पर शिविर लगाकर आप लोगों की जो कोरोना के टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों के जो दोनों वैक्सीन के प्रमाण पत्र हैं वो भी देखे जा रहे हैं। इसके अलावा नेगेटिव आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट है वो भी चेक की जा रही है। बैटरी कार सेवा भी निरंतर चालू है। यदि आपके साथ जो कोई बुजुर्ग जा रहे हैं या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जा रहे हैं कि जो चलने में असमर्थ है, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बैटरी कार सेवा उपलब्ध है। तो यदि वो यात्रा करना चाहते हैं बैटरी कार सेवा से, तो वो जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं बता दूं कि कोहरे के कारण हेलीकॉप्टर सेवा बाधित है, तो उसके चलते जो भी व्यक्ति जाना चाह रहे थे हेलीकॉप्टर सेवा से, वो फिलहाल बैटरी कार और पिट्ठू पालकी घोड़े का उपयोग कर रहे हैं। मौसम के बदलते हुए मिजाज को देखकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, साथ ही साथ वहाँ की जो लोकल पुलिस है, उन्होंने काफ़ी इंतजाम किए हैं ताकि आने वाले जो भी यात्री हैं उनकी यात्रा सुखमय हो सके, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो कि इस समय में यात्रा करना चाह रहे हैं उन भगत गणों के लिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। और यदि आप चैनल पर पहले से हैं तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि जो भी आपके परिवारजन या आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं इस समय में यात्रा के लिए, उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आप सभी की यात्रा को मंगलमय बनाएं।